एजुकेशन इज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने आई लड़कियों को एग्जाम हॉल में एंट्री देने से पहले मंगलसूत्र हटाने को कहा गया। चेकिंग कर रहे अधिकारियों ने लड़कियों से उनके कान के झुमके, गले की चेन और बिछिया भी हटाने को कहा। एक स्टूडेंट जिसे मंगलसूत्र उतारने को कहा गया, उसने बताया कि अधिकारियों ने हिजाब पहनने वाली महिलाओं की भी चेकिंग की, लेकिन उन्हें अंदर एंट्री मिल गई। छात्रा ने कहा कि हिंदू धर्म में मंगलसूत्र नहीं हटाया जाता है, जब जरूरत पड़ती है तभी हम इसे हटाते हैं। परीक्षा देने के लिए मुझे मंगलसूत्र और बिछिया हटानी पड़ी। छात्रा ने कहा कि जैसे चेकिंग करने वाली टीम ने हिजाब पहनने वाली लड़कियों को चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया, वैसे ही हमें भी जाने देना चाहिए था। इस मामले को लेकर भाजपा सांसद बसंत गोड़ा यत्नाल ने पूछा कि क्या ये नियम सिर्फ हिंदुओं के लिए था। कहा जा रहा है कि एग्जाम के दौरान नकल रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरती है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।